हेलो फ्रेंड्स, वंदना कुकिंग ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक आमलेट करी बनाने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग 6 अंडे को ले लिए हैं हम, और फिर सभी अंडे को एक एक करके ऐसे ही फोड़ लीजिए। देख सकते हैं सभी अंडे को फोड़ लिए हैं। फिर उसके बाद इसमें नमक डालिए, हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून किचन किंग, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सब्जी मसाला, थोड़े थोड़े सभी डाल दीजिए। हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर और जो कटे हुए प्याज महीन महीन एकदम काट के बारीकी से उसको फिर डाल दीजिए। फिर टमाटर, थोड़ा सा हरी मिर्ची, एक टमाटर और एक हरी मिर्ची डाल दीजिए। और फिर धनिया पत्ता डाल दीजिए। सभी को डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर दीजिए। देखिए, आमलेट बनाने के लिए हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं सभी को अच्छी तरीके से सब मिक्स हो गए। अब इधर आमलेट बनाने के लिए ओवन को चढ़ा दीजिए और उसमें ऑयल डालिए। ओवन में ऑयल लगा दीजिए और फिर आमलेट बनाइए। इसमें जैसे आमलेट बनाते हैं वैसे ही आमलेट इसमें बना लेना है। आमलेट को हम ज़्यादा सिझाते हैं दोनों तरफ से, और इसको सिर्फ हाफ मतलब सिझाना है। इस आमलेट को हाफ सिझाने के बाद ये होगा कि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसको हमें फोल्ड करना है, इसलिए इसको हमें कम सिझाना है। देखिए, जैसे हम लोग बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं पीस पीस करके उसको आमलेट बना के, वैसे ही। देखिए, हो गए आमलेट बन के रेडी। 6 अंडा हमने लिए और उसके हम 3 आमलेट बनाए हैं। 6 अंडे का 3 आमलेट बनके तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं तीनों आमलेट बन गए। वैसे ही तीनों को फोल्ड कर लिए थे। आप सभी आमलेट को पीस पीस काट लीजिए। देख सकते हैं सभी जितने आमलेट हैं सभी को ऐसे ही पीस सबको कर लेना है। बेसन की सब्ज़ी जब बनाते थे ऐसे ही पीस करके उसकी भी सब्ज़ी बनती है, बेसन की सब्ज़ी। देखिए, सभी आमलेट पीस हो चुके हैं। सभी आमलेट को ऐसे ही पीस करने के बाद अब इधर अब सब्जी की तैयारी हम करेंगे। उसके लिए 2 कटे प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 4-5 मिर्च अपने स्वाद अनुसार, और फिर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब ले लीजिए। पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, किचन किंग 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मसाला तैयार हो गया। अब इधर कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेज़पत्ता दीजिए, ऑयल डालने के बाद जीरा दीजिए, प्याज दीजिए। अब प्याज को फ्राई कीजिए। देख सकते हैं प्याज फ्राई हो गए हैं। हल्का प्याज फ्राई होने के बाद फिर इसमें मसाला डालने के बाद टमाटर डालिए। टमाटर डालने के बाद 1 टीस्पून नमक दीजिए। अब मसाला को अच्छी तरीके से फ्राई कीजिए। मसाला अगर फ्राई अच्छी तरीके से होगा तो सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है, इसलिए मसाला को फ्राई कीजिए। तेल छोड़ने लग गया देखिए मसाला में, तो फिर समझिए मसाला फ्राई हो चुके हैं। मसाला फ्राई हो गया है। अब इसमें पानी डाल दीजिए। अब जितना पानी आप लोग मतलब रस खाइएगा उतना पानी अपने अनुसार डालिए। रोटी चावल सभी के साथ इसको आप लोग खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्ज़ी। और फिर जितने वो जो आमलेट बना के रखे थे पीस पीस काट के, सभी को इसमें डाल दीजिए। देख सकते हैं सभी आमलेट को जितने बनाए थे सभी को इसमें डाल दिए। अब थोड़ा सा इसको उबलने दीजिए हल्का। अंडा की तो सब्ज़ी आप लोग खाए होंगे, और ये आमलेट की सब्ज़ी खा के देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में ये भी सब्ज़ी। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। चावल रोटी सभी के साथ खा सकते हैं। देखिए, सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है, अंडा करी आमलेट। अब इसमें धनिया पत्ता मिक्स भी कर दिए हैं। देख सकते हैं हम चावल के साथ खाएंगे इसलिए रस थोड़ा ज़्यादा इसमें रखे हैं।
ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखें, आपको जैसा पसंद है वैसा आप बनाइए। देख सकते हैं सब्ज़ी बनके रेडी हो गए हैं, अंडा आमलेट करी की सब्ज़ी। एक बार ज़रूर इस सब्ज़ी को आप ट्राई करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।